नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी 50 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 डाल चुके हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो हम लगा रहे हैं इस समय, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या टेट हो, या अन्य किसी भी स्टेट की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, जहाँ पर भी हिंदी पूछा जाता है, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो इस सेट को लगाइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों, हमने हिंदी ट्रिक से रिलेटेड बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं, ऑलरेडी 40 से ज़्यादा वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको हिंदी के वीडियोस मिलेंगे और जल्दी आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा कि टेलीग्राम ऐप में जाके आपको ब्लैक बोर्ड हिंदी टाइप करना होगा और वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट में भी मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके ज़रिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्णमाला से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, और वो ट्रिक से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए शा 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 हा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, या रा ला व व्यंजनों को कहते हैं, तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप उसे नोट करते चलिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई भी परेशानी ना हो। तो यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ओष्ठ निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। दोस्तों, नहीं है पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, दोस्तों हो जाएगा आपका चा, ऑप्शन ए चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं होती है, बाकी पा पा में भी होती है, भा में भी होती है और माँ में भी होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, नहीं है। तो दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि पता करना बहुत ही आसान है, आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके इन सभी वर्णों को एक एक करके बोलिए। आप चा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने ओष्ठ से नहीं बोला है, पा बोलेंगे तो भी पता चल जाएगा ओष्ठ से बोला है, माँ में भी और भा में भी, यानी इन तीनों में आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने वर्णमाला के उस ट्रिक वाले वीडियो में बता रखी हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। अब दोस्तों देख लेते हैं, छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो छा वर्ण किसके योग से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, किससे बनता है दोस्तों, तो ये बनता है ऑप्शन ए का प्लस शा। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कई बार ऑप्शन में आपको नॉर्मल का दे देगा और ये शा दे देगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, जिसके नीचे ये हलंत लगा होता है यही आपका सही आंसर होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इन सबकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, पहले इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 52। अब मैं बताता हूँ आपको गलती कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, 52 ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम सही में देखें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आंसर होना चाहिए 48। तो अगर ऑप्शन में 48 और 52 दोनों दिए गए हैं तो आपको 48 ही टिक करना है। क्यों करना है ये अभी मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ऑप्शन में आपको 48 भी दिया गया है और 52 भी दिया गया है वर्णों की संख्या, तो आप 48 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 52 नहीं दिया गया है, सिर्फ 48 दिया गया है, तो आप 48 को करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पे 48 कहीं पे नहीं दिया गया था इसलिए 52 को टिक करना सही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग रटे रहते हैं कि 52 ही सही होगा और वो टिक करके आते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप आगे से आपको पता रहे कि क्यों ऐसा होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है ये भी देख लीजिए, व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 33। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें 33 और 11 को, तो कितना हो गया, 44 वर्ण बन गए, ठीक है, इतने वर्ण हो गए। अब दोस्तों क्या होता है कि दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, देखिए उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है,
उत्क्षिप्त व्यंजन अब ये कौन से होते हैं ये सब मैंने वर्णमाला में बता रखे हैं, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और आपका दोस्तों दो अयोगवाह होते हैं, ठीक है। अयोगवाह आप लोग जानते ही होंगे, अयोगवाह इसके बारे में भी मैंने उसमें बता रखा है, अंग और अहा को कहते हैं, ठीक है, अंग और अहा को कहते हैं। तो दो दो ये हो गए और दो ये, तो टोटल कितने हो गए, चार और ऐड हो गए। तो अब 44 में चार ऐड करेंगे तो हो गए 48, तो यानी वर्णों की संख्या 48 हो गई, ठीक है। तो सही मायने में 48 ही होती है, लेकिन अब कुछ बुक्स में आपको 52 भी मिल जाएगा। तो 52 क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, संयुक्ताक्षर होता है, संयुक्ताक्षर होता है। उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। कौन कौन से होते हैं, छात्रज्ञाश्रा, ठीक है, ये होते हैं। तो इन चारों को भी इनमें ऐड कर देते हैं, वो 48 प्लस चार करके वो 52 कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये चार ऐड क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, यानी ये दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं, इसीलिए इनको जोड़ के हम वर्णों में इनकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसे मानना, जो ये चार को हम जोड़ते हैं इसे नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स वाले मानते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर 48 और 52 दोनों दिए गए हैं तो आप 48 को टिक करेंगे, नहीं दिया गया 52 ही ऑप्शन में है तो फिर आप 52 ही टिक करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए सही मायने में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जानी चाहिए, 48, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। अब दोस्तों निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि क्या कौन सी है, अब आपको पता ही होगा कि ओष्ठ ध्वनि क्या होती है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, फा, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सारे वर्णों को एक एक करके बोलिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने ओष्ठ यानी होठों से कौन सी ध्वनि, कौन सा वर्ण निकला है, ठीक है, तो इसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। अब टा वर्ग क्या होता है दोस्तों, टा होता है उसमें बिल्कुल होता है, ठा होता है, सॉरी ठा होता है, टा वर्ग में ठा तो होता ही है, टा ठा डा ढा और डा ये तीनों आते हैं, जबकि घा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसने पूछा क्या था, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया भी था कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी 11 होते हैं स्वरों की संख्या। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। दोस्तों ये संयोग वाले जो संयुक्ताक्षर होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये क्या होते हैं, दो वर्णों के मिलन से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये किन से बने हैं, ग्या किन से बना है, तो ये बना है दोस्तों जा प्लस इया से बना है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कन्फ्यूज ए वाले से बिल्कुल भी मत होइएगा, क्यों, क्योंकि हलंत जरूर होना चाहिए और वो आपको जा में यहाँ सेकेंड वाले बी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखे रहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है तो कौन सी है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप सभी को पता होगा, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्था नहीं है। दोस्तों ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, अंतःस्था नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था अंतःस्था व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या होता है, रा भी होता है, हा नहीं होता है और वा भी होता है। तो कौन कौन से होते हैं, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद होती चले, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हा आंसर हो जाएगा आपका। अब दोस्तों देखिए, संधि विच्छेद, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों संधि विच्छेद से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है तीन पार्ट में, ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो इन तीनों वीडियो को अगर आपने देख लिया, ट्रिक से रिलेटेड हैं तीनों ही, तो आपका क्या होगा, संधि विच्छेद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि संधि विच्छेद का वो वीडियो ज़रूर देखिए। नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वहाँ से आपको ये सारी तीनों वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको संधि विच्छेद क्लियर होगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये सब वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाक जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बताइए आप लोग, ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द्वापी का संधि विच्छेद होगा। आप दोस्तों जितने भी संधि विच्छेद बता रहा हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आपको नहीं आता है तो नोट भी करते चलिए। द्वापी
का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी द्वौ प्लस अपि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत प्लस चारण, ठीक है, उत प्लस चारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट, संधि से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है, ट्रिक से रिलेटेड, वो देख लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि जब कभी आपका वर्ण जो हो वो आधा हो जाए और उसके बाद वाला या आ जाए तो वो क्या आ जाता है? देखिए उसमें क्या आ जाता है, ऑप्शन ए यण संधि हो जाती है। वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, उससे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है दोस्तों, निर्गुण अक्सर पूछा जाता है, तो ये इसको स्टार लगा लीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ऑप्शन सी निह प्लस गुण, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है, जहाँ कहीं भी आपको विसर्ग दिख जाए वो विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण किसके योग से बना दोस्तों? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो क्या है ये? ऑप्शन ए का प्लस शा, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे पहचान ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा लीजिए। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन सी पव प्लस अन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुव्रीही समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीही समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? समास से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लेंगे तो आपको समास में जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप तुरंत पहचान भी जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ट्रिक्स के। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्भुज। क्यों हो जाएगा दोस्तों? चतुर्भुज यानी चार भुजा हैं जिनके, तो ऐसे कौन हैं? चार भुजा हैं जिनके, ऐसे हैं दोस्तों आपके विष्णु भगवान। तो मैंने आपको बताया था जब कभी किसी भी भगवान का पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा ही क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीही समास होगा। ये सब मैंने ट्रिक आपको वहाँ पे बता रखी है, तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्विगु समास ही आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है, पहला पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि में समास है, तो सप्तऋषि में समास कौन सा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें सप्तऋषि में समास कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी द्विगु समास है। क्यों है? क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक है दोस्तों, सप्त यानी कि सात, तो सात यहाँ पे संख्या आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा ये? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समास के सारे जितने भी भेद हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास, ये समास का भाग है, बिल्कुल है। द्वंद्व समास, ये भी समास का भाग है। और कर्म कारक समास, ये बिल्कुल नहीं है। बहुव्रीही समास, ये भी समास का पार्ट है, इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है, समास का पार्ट नहीं है। तो आप क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिदिन शब्द में समास होगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलमग्न शब्द में समास होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलमग्न शब्द में समास होगा तो कौन सा शब्द समास होगा इसमें दोस्तों? इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्यों होगा? वो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता रखी है, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ। जलमग्न यानी जल में डूबा हुआ, जल में डूबा या जल में मग्न, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी में का की ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं वो सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाते हैं। ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, उसे ज़रूर देखिए। पंचवटी शब्द में समास होगा तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? पंच, आपको नाम से ही पता चल रहा है, पहला पद क्या है इसमें? संख्यावाचक, पंच यानी कि पाँच, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्विगु समास ही आपका हो जाएगा, ठीक है, आंसर द्विगु समास आपका आंसर हो जाएगा। आजन्म, अब आजन्म की बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था उस ट्रिक वाले वीडियो में कि जहाँ कहीं पे भी आपको उपसर्ग मिल जाए, किसी भी समास में अगर आपको उपसर्ग मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, उपसर्ग आ मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं पे भी उपसर्ग मिल जाएगा तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब अगर आपको उपसर्ग नहीं पता है तो उपसर्ग वाली ट्रिक का वीडियो देख लीजिए, मात्र 15 मिनट का है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भर पेट। अब भर पेट में दोस्तों कौन सा है, आपका समास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, तो ये भी आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अन्न जल। अब दोस्तों जहाँ कहीं भी योजक चिन्ह लगा हो तो वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सब मैंने ट्रिक बता रखी है, योजक चिन्ह लगा हो तो उस क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि प्रथम पद ही प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, और इस योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, और, ठीक है, जैसे अन्न और जल, और एक ऑप्शन और होता है जैसे माता पिता, अब ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, और हो गया दोस्तों, तो माता और पिता, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, इसमें क्या है दोनों को प्रधानता दी जा रही है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी, अन्न को भी प्रधानता है और जल की भी प्रधानता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में कौन सा समास होगा दोस्तों, पुस्तकालय में हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, यानी पुस्तक का आलय, यानी पुस्तक का घर, ठीक है, का लग गया ना इसमें, का की रारी री, ये सारी चीज़ें जहाँ भी आती हैं तत्पुरुष से रिलेटेड, ये सब मैंने समास में डिस्कस कर रखा है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, तत्पुरुष समास हो जाएंगी। पुस्तक का आलय यानी पुस्तक का क्या हो गया दोस्तों, घर, पुस्तकालय, तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। धनहीन, अब दोस्तों देखिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, क्यों हो जाएगा, धनहीन यानी धन से हीन, तो इसमें से आ गया, से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें जहाँ कहीं भी आती हैं तो वो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा 3, कैसे, ये मैंने ट्रिक में दोस्तों क्रिया वाले वीडियो में बता रखा, नहीं देखा आपने तो उसे ज़रूर देखें ट्रिक वाला वीडियो, और मैंने कैसे बताया था कि रचना, जब भी क्रिया के भेद पूछे जाए रचना से, तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्णों की नंबरिंग कर देनी है, 1, 2 ना तीसरा वर्ण, और ये दोस्तों आ की मात्रा है, तो ये तो कोई वर्ण नहीं, तो इसका कोई भी हम वो नंबरिंग नहीं करेंगे, तो 1, 2, 3 यानी 3 हो गया, तो 3 वर्ण हैं, इसका मतलब 3 ही क्या होंगे, इसके भेद होंगे दोस्तों। ये ट्रिक थी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो द्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो कौन सा नहीं आता है दोस्तों, ऑप्शन 3 विदेह नहीं आता है, ठीक है। बाकी द्विज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ठीक है, तो तीनों को नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन होते हैं, ब्राह्मण, दांत और पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं विलोम शब्द से रिलेटेड, हमने अपना 100+ जो विलोम शब्द से रिलेटेड वीडियो बता रखा है, तो अगर आपने वो तैयार कर लिया है तो आपको ये सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, और नहीं तैयार किया तो उस वीडियो को जाके हिंदी ट्रिक के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। स्थावर का विलोम शब्द है, अब दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन 3 जंगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है दोस्तों, हो जाएगा आपका मुक्त, क्यों हो जाएगा दोस्तों, ग्रस्त का मतलब क्या होता है, पीड़ित होना, किसी चीज़ से पीड़ित होना, तो पीड़ित हो तो क्या हो जाएगा, उसका विलोम क्या हो जाएगा, उस चीज़ से मुक्त हो जाना, यही आपका आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 रोपण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूक का विलोम क्या है दोस्तों, मूक बहुत इंपॉर्टेंट है, मूक का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाचाल, मूक यानी ना बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का दोस्तों क्या हो जाएगा, सृष्टि का हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रलय, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इप्सित का विलोम शब्द है, तो इप्सित बहुत इंपॉर्टेंट है, इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी अनिप्सित, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों क्या है, ऑप्शन ए विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट, गौरव का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर, गौरव का हो जाएगा ऑप्शन ए लाघव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आलोक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष का हो जाएगा ऑप्शन बी परोक्ष हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। श्री गणेश शब्द का विलोम है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इति श्री, ठीक है, बहुत परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं, संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम दोस्तों क्या है, ऑप्शन डी विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कृतज्ञ का विलोम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो ये आपको जानना जरूरी है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के नाम से जो जाने जाते हैं, कि रचना का नाम है, तो इसमें से उनकी रचना कौन सी है दोस्तों, रचना से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यायवाची से रिलेटेड दोस्तों अभी मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, अभी मैं ट्रिक उसकी बना रहा हूँ, तो जैसे ही ट्रिक बन जाती है आपको पर्यायवाची का वीडियो मिल जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृगेंद्र, मृगेंद्र अगर आप आंसर, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए शार्दुल, तो मृगेंद्र यानी मृग का इंद्र, मृग का देवता, यानी मृग का इंद्र, मतलब इंद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, देवता, तो मृग का देवता, तो मृग को कौन मार के खा जाता है दोस्तों, शेर खा जाता है, और शेर को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शेर को हम शार्दुल भी कहते हैं, तो इसीलिए शार्दुल ही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, और बाकी सब लोग वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर देंगे और सही सही देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था ये हमारा, मुझे उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैकबोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इतना पढ़ाने के बाद अब आप लोगों का कोई भी परीक्षा हो, जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमने जो हिंदी ट्रिक से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं उन वीडियोस को भी देखिए, जो कि 43 प्लस हिंदी ट्रिक्स के वीडियोस हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जिसके ज़रिए आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच पाएंगे और वहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रैक्टिस सेट भी अब स्टार्ट कर दिया, तो अब आपको लगातार प्रैक्टिस सेट के वीडियो भी मिलते रहेंगे। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर उस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।